हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम यादव, एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट, MBSC एनिमल न्यूट्रिशन फ्रॉम PGIVR। मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है जिसका मेन उद्देश्य है जो मेरी नॉलेज है न्यूट्रिशन से रिलेटेड मैं आप तक पहुंचाऊं। तो आज अपन एक छोटा सा टॉपिक इसमें कवर करेंगे, फीड सैंपल है उसका क्लासिफिकेशन। एक्चुअली कोई भी जो प्लांट है अपन जो खिला रहे हैं एनिमल को, उसके अंदर अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है और ड्राई मैटर होता है। मॉइस्चर है जो डिपेंड करता है कि अपना जो कौन सा फीड सैंपल है, स्ट्रा है ना, और या फिर साइलेज है या कंसंट्रेट है, उस हिसाब से मॉइस्चर अलग अलग फीड में अलग अलग होता है। तो ड्राई मैटर कंसेप्ट इसलिए लाए हैं कि हर फीड में मॉइस्चर कंटेंट अलग अलग होता है, इसलिए ड्राई मैटर बेसिस पे अपन न्यूट्रिएंट्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो वो उसको अपन कैलकुलेशन करेंगे तो तुलना करने में इजी रहेगा। अदरवाइज़ अगर अपन फीड को डायरेक्ट अगर कंपेयर करेंगे तो किसी में मॉइस्चर ज़्यादा है तो न्यूट्रिएंट कम होंगे, मॉइस्चर कम है तो उसमें जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा होंगे। तो इस बेसिस पे ड्राई मैटर कंसेप्ट आया कि भाई ड्राई मैटर कंसेप्ट के हिसाब से ही अपन फीड को इवेल्युएट करें। तो जो ड्राई मैटर है वो अगेन फर्दर ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जिसमें कार्बन चेन होती है, कार्बन स्केलेटन होता है, उसको अपन ऑर्गेनिक बोलते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब इनऑर्गेनिक में मेनली एसिड सोल्यूबल और एसिड इनसोल्यूबल। तो एसिड इनसोल्यूबल्स जो क्या होते हैं, जैसे अपनी सिलिका है ना, तो जो एसिड में डिजोल्व नहीं होते हैं उनको अपन एसिड इनसोल्यूबल के अंतर्गत लेते हैं। और दूसरा है एसिड सोल्यूबल एस। एसिड सोल्यूबल एस जो है उसमें आते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं, ये एसिड में सोल्यूबल हो जाते हैं। दूसरा है ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर को टू टाइप से डिवाइड कर रहे हैं, नाइट्रोजिनस और नॉन नाइट्रोजिनस। नाइट्रोजिनस मीन्स द कंपाउंड विच इज कंटेन नाइट्रोजन इन दियर स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन होना ज़रूरी है इसकी स्ट्रक्चर में, तो ये नाइट्रोजिनस होते हैं। और मेनली जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड हैं वो प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन में इसमें क्रूड प्रोटीन है। क्रूड प्रोटीन मतलब देर इज ए ट्रू प्रोटीन प्लस नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। तो ट्रू प्रोटीन और नाइट्रोजिनस नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स। और दूसरा है नाइट्रोजिनस नॉन नाइट्रोजिनस में ईथर एक्सट्रैक्ट, क्रूड फाइबर और नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। तो ये तीन इसमें नॉन नाइट्रोजिनस में आते हैं, और नाइट्रोजिनस में NPN और ट्रू प्रोटीन, जिनको NPN और ट्रू प्रोटीन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, क्रूड प्रोटीन। तो ये मेनली अपने जो भी फीड सैंपल होता है उसमें मेनली सिक्स एलिमेंट्स होते हैं, मॉइस्चर, क्रूड प्रोटीन, क्रूड फाइबर, ईथर एक्सट्रैक्ट, NFE और S, एसिड इनसोल्यूबल और एसिड सोल्यूबल दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, S। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।